नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के किसान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतिका शर्मा। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा के सिरसा में किसानों का बेमियादी धरना, बीटी बैंगन के शक में फसल नष्ट किए जाने से नाराज, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजा देने की मांग। अनाज का सरप्लस स्टॉक रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने का अनुमान, एफसीआई पर बढ़ा रख रखाव का बोझ, इससे निपटने के लिए पीडीएस के तहत अनाज बढ़ाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में किसानों को मुकदमे से राहत देगी सरकार, मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, शिवराज सरकार के समय किसानों पर दर्ज हुए थे मामले। और यूपी के झांसी में गौशाला निर्माण में सामने आई लापरवाही, लोगों ने लगाए भ्रष्टाचार जैसे आरोप, गर्मी में चारे पानी के लिए भटकने को मजबूर बेसहारा जानवर। और बुलेटिन में सबसे पहले बात हरियाणा के सिरसा जिले की। यहां किसान बागवानी विभाग के सामने बेमियादी धरने पर बैठे हैं। ये लोग बागवानी के अधिकारियों पर रंगड़ी गांव के किसान अमर सिंह के खेत में खड़ी बैंगन की फसल को नष्ट किए जाने का विरोध कर रहे हैं। किसानों की माने तो अधिकारियों ने बीटी बैंगन की अवैध खेती किए जाने के शक में फसल को ही नष्ट कराया है। किसानों ने अधिकारियों पर फसल की जांच कराए बगैर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और किसान दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित किसान को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं बागवानी विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि देश में बीटी बैंगन की खेती को की इजाजत नहीं है और बीते दिनों कई किसान संगठन हरियाणा में बगैर इजाजत बीटी बैंगन की खेती किए जाने की शिकायत कर चुके हैं। बोले आप इसको या तो बुआओ या इसका बिल दिखाओ मेरे को, नहीं तो आपके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज करा देंगे हम। तो मैंने कहा इसको दो तीन दिन का मेरे को टाइम तो दो, मैं बिल वगैरह ले आऊँ। कंपनी वाले के ऊपर होना चाहिए, मेरा मुआवजा दिया जाए, मेरी तो खड़ी फसल नाश करी है सारी। अगर उसे शक था, बीटी के ऊपर शक था, तो वो किसान की फसल का नमूना लेकर उसकी जांच आने तक उसके पास कोई अधिकार नहीं होता कि वो किसान की फसल को बाधे। ना ही ऐसा कृषि विभाग में कोई नियम है कि अगर कोई बीटी बीजता है, बीटी किसान तो खुद तो लाया नहीं, अगर ये विदेश से कहीं निर्यात हुआ है तो ये भारत सरकार केंद्र सरकार की कमी है। और वहीं किसानों ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के अगुवाई में प्रदर्शन करने वाले इन किसानों ने उमरपुर बघेल गांव से शराब का ठेका हटाने, तालाब में पानी दिए जाने, बिजली के जर्जर तारों के बदलने और पानी का इंतजाम करने की मांग रखी। किसानों के प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने इन समस्याओं को जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया। दारू का ठेका खोल दिया गया है, तो दारू ठेके पर इस तरीके के अराजक तत्व वहाँ जमा होते हैं आए दिन। पड़ोस में रहने वाले लोगों को, पढ़ने वाली लड़कियों को, महिलाओं को, लड़कों को दिक्कत होती है। शराब का ठेका है गांव में खुला हुआ है, जिससे गांव वालों को परेशानी है। इस विषय माननीय जिलाधिकारी महोदय को और आबकारी अधिकारी को भी अवगत कराया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार किसानों को कर्ज माफी के बाद अब एक और राहत देने जा रही है। जी हां, कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार के समय किसानों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर भोपाल में गृह राज्य मंत्री बाला बच्चन और कानून मंत्री पीसी शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें किसानों के खिलाफ दर्ज 371 मामलों को वापस लेने पर सहमति बनी है। अब इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास भेजा जाएगा और इसके अलावा किसानों के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमों को की पहचान करने के लिए एक जिला स्तरीय समिति बनाई जाएगी। जून 2017 में किसान आंदोलन और मंदसौर गोलीकांड के बाद भड़की हिंसा के दौरान सैकड़ों किसानों के खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए थे। जो गाइडलाइन जो बनेगी उसके अंतर्गत आने वाले, फिर जैसे किसान है, किसानों ने आंदोलन की अपनी मांगों को लेकर, तो उस समय केस दर्ज हुए, तो वो और कुछ इसके अलावा भी कोई कुछ धरना और प्रदर्शन हुए हैं और जानबूझ के पहले की सरकार ने उन पे केस जो लगाए थे, कहीं पार्शियलिटी उनके साथ में हुई है, तो ये लगभग ये सभी शामिल। और वहीं मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने देवास जिले में व्यापारियों की ठगी के शिकार किसानों को मंडी निधि से भुगतान किया है। जी हां, लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की मौजूदगी में प्रदेश में पहली बार किसानों को मंडी निधि से भुगतान किया गया है। जिले में लगभग 150 किसानों का 1 करोड़ 39 लाख रुपया लेकर व्यापारी फरार हो गए थे।
कृषि मंत्री सचिन यादव की मंजूरी के बाद ये कदम उठाया गया है। अब हरदा जिले के खिरकिया के किसानों को भी अपना पैसा मिलने की उम्मीद बन गई है। यहाँ एक व्यापारी 241 किसानों का 1,81,00,000 रुपए लेकर फरार हो चुका है। कमलनाथ सरकार ने ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और इस मामले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता केदार शंकर सिरोही जी जुड़ गए हैं। केदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार ने मंडी निधि से किसानों का भुगतान किया है, तो सरकार की इस पहल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये मध्य प्रदेश और बल्कि देश के लिए एक रोडमैप बनाने वाली बात वाला निर्णय है। इतना सकारात्मक निर्णय पहली बार आया है कि जो मंडियां हैं, इसमें भारत में अधिकतर मध्य प्रदेश की छोड़िए कई राज्यों में किसान मंडियों में बेचकर जाता है और व्यापारी उसका पेमेंट लेके चला जाता है, जिसकी भरपाई नहीं हो पा रही थी। परंतु कमलनाथ जी ने आते ही ये उनके सामने जब समस्या गई तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में चर्चा करके और जो मंडी निधि का जो पैसा है, जो मंडी की कमाई है, उससे किसानों को पेमेंट करने का आदेश दिया। ये सबसे सकारात्मक निर्णय इस सरकार का आने के बाद में, अगर हम कोई निर्णय पे अगर सबसे ज्यादा नंबर अगर दे सकते हैं तो ये वाला नंबर है। क्योंकि मंडी में बेचने पर आज तक किसान को गारंटी नहीं थी। जब से नोटबंदी हुई थी तो किसानों का जो भुगतान है वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में हो रहा था। इस बीच में व्यापारी बड़ा अमाउंट करके और निकल जा रहे थे, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान और एक थ्रेट आ गया था इस संस्थान पर, जो मंडी है उसकी विश्वसनीयता पर एक क्वेश्चन मार्क आने लगा था। तो ये निर्णय मेरे हिसाब से बड़ा ही सकारात्मक और किसानों के हित में लिया गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाना चाहिए। केदार जी, यहाँ ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने भी बताया कि ये अमाउंट, ये रकम करोड़ों तक की है, तो आपका क्या मानना है कि ये ठग व्यापारियों के मामले क्यों बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या वजह मानी जा सकती है इसकी? देखिए, इसके पीछे स्पष्ट वजह है नोटबंदी और जो मंडियों में कैश पेमेंट बंद कर दिया गया था पिछली सरकार ने, उसके बाद में ये बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि व्यापारियों को 10 दिन, 15 दिन, 20-20 दिन तक वो लोग आरटीजीएस के नाम पर किसानों को बहला फुसला रहे थे, मंडी उनको रोक नहीं रही थी, सीधा वो खरीदी कर रहे थे। जिसके पास एक आज मान लीजिए 50,00,000 की कैपेसिटी है खरीदने की, वो 15 दिन तक खरीद रहा था, तो मान लीजिए 7-7.5 करोड़ का माल खरीद रहा, उसके बाद वो चला जा रहा है, तो उसको रोकने पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसानों के लिए मंडी निधि से नुकसान की भरपाई की जाएगी, मध्य प्रदेश सरकार का बहुत अहम कदम। वहीं गोदाम सरकारी खरीद के अनाज से भरे हैं और गेहूं के बंपर उत्पादन के बाद इसे रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, और इसे निपटने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले अनाज को बढ़ाने पर विचार कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। गेहूं का बंपर उत्पादन पंजाब में टूटा 20 साल का रिकॉर्ड। इस साल लगभग 130 लाख टन गेहूं अनाज रखने के लिए कम पड़े गोदाम। ये चुनौती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली फसलों के बढ़ते उत्पादन और जमा स्टॉक में इजाफे की। अब इसे संभालने में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI और केंद्र सरकार के पसीने छूट रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक FCI और राज्य सरकार की एजेंसियों के पास 1 अप्रैल 2019 तक सेंट्रल पूल में बफर स्टॉक के ऊपर 1,18,000 करोड़ रुपए की कीमत का अनाज जमा है। सेंट्रल पूल में 135 लाख टन बफर और स्ट्रेटजिक रिजर्व के मुकाबले 399 लाख टन चावल और 74,06,000 टन बफर और स्ट्रेटजिक रिजर्व के मुकाबले 170 लाख टन गेहूं जमा था। यानी 1 अप्रैल को चावल का सरप्लस स्टॉक 262 लाख टन और गेहूं का सरप्लस 95 लाख टन रहा। FCI और केंद्र सरकार के लिए अनाज के अतिरिक्त भंडारण को खपाने की चुनौती बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी पर मिलने वाला अनाज बढ़ाने की तैयारी में है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट अगले कुछ दिनों में सभी लाभार्थियों को हर महीने 2 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज देने पर मुहर लगा सकती है। इसे लाभार्थियों को हर महीने मिलने वाला अनाज 7 किलोग्राम हो जाएगा। अभी लाभार्थियों को प्रति किलोग्राम 1 रुपए में मोटे अनाज, 2 रुपए में गेहूं और 3 रुपए में चावल के हिसाब से कुल 5 किलो अनाज मिलता है।
खाद्य सुरक्षा के तहत आवंटन बढ़ाने से सरकार पर खाद्य सब्सिडी का बोझ लगभग 50,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा, लेकिन यह कदम अनाज के अतिरिक्त भंडारण के रखरखाव पर होने वाले खर्च की तुलना में ज्यादा किफायती होगा। अभी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को प्रति 1,00,000 टन गेहूं के रखरखाव पर सालाना 29 करोड़ रुपए और प्रति 1,00,000 टन चावल पर 41 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। देश में गेहूं के बम्पर उत्पादन के चलते जुलाई तक बफर स्टॉक के अलावा गेहूं चावल का अतिरिक्त भंडारण 800,00,000 टन के पास पहुंच जाने का अनुमान है। जाहिर है कि एफसीआई का इस अतिरिक्त अनाज के रखरखाव पर होने वाला खर्च बेतहाशा बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सरप्लस अनाज बन रहा है एक बड़ी चुनौती, और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका। तो सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आवंटन बढ़ाने की सोच रही है ताकि सरप्लस अनाज की चुनौती से निपटा जा सके। आपको क्या लगता है कितना कारगर साबित हो सकता है सरकार का ये कदम? देखिए, जो 1 जुलाई को आंकड़ा होना चाहिए वो लगभग 4 करोड़ टन जो अनाज का बफर स्टॉक होना चाहिए लगभग, अब जो एक्सपेक्टेड है, जो है अभी और जो अब इस जून के महीने में और खरीदा जाएगा जी। सब मिला दें तो 1 जुलाई को होने जा रहा है लगभग 8 करोड़ टन, यानी डबल। तो अगर उसको आप रखेंगे, जैसा आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि उसको रखने का भी खर्चा आता है, जो उसकी टोटल खरीद की वैल्यू है उसका 10-12% इसी काम में खर्च हो जाता है। मान लीजिए कि 1,00,000 करोड़ का अनाज खरीदा गया तो उसमें से 12-13-14,000 करोड़ रुपया खर्चा उसको मेंटेन करने का स्टॉक को आएगा, पहली बात। और बाद में जब उसको बेचा जाता है तब भी उसकी वैल्यू घट जाती है, क्योंकि वो पुराना अनाज हो जाता है या उसमें से जो है कोई कहीं कीड़े लग जाते हैं या और सब तरीके से वो खराब होने के उसके चांसेस होते हैं। तो ये एक भारी समस्या खड़ी हो गई है कि भाई जो सरप्लस अनाज है, और दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी होगी कि हमारे देश में 215 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर जो कुपोषण के शिकार हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरप्लस हमारा पैदा हो रहा है, हम उसको खरीद भी रहे हैं लेकिन हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी करने में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। जो कुपोषण से पीड़ित जिले हैं वहाँ, या मिड डे मील स्कीम में, या उन बच्चों को यदि हम दे दें तो ये समस्या भी ना हो और वो जो है कुपोषण की समस्या का भी निजात हो सकता है। बिल्कुल, इस तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये कहना। एमएसपी पॉलिसी की बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है किस तरह से ये प्रभावित करती है स्टॉक को? आपको क्या लगता है क्या एमएसपी पॉलिसी को भी थोड़ा सा बदला जा सकता है यहाँ पर? देखिए, इस विषय में 2015 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि सारा जो खाद्यान्न है उसमें से 6% ही वैल्यू लगभग खरीदी जाती है, जो सरकारी खरीद है वो जस्ट 6% है। तो इसमें 27-28 करोड़ टन अनाज और खाद्यान्न हम लोग जो है उत्पन्न कर रहे हैं आज की तारीख में, जो हमारी रिक्वायरमेंट से लगभग सफिशिएंट है। तो हम जो है उसको 6% को ही खरीदते हैं, बाकी ओपन मार्केट में चला जाता है। लेकिन ये 6% जो है ये मुख्य रूप से आप अगर देखें तो सारे देश में डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, वो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा खरीद होती है। तो कहीं ना कहीं खरीददारी होकर के स्टॉक उसका बना दिया जाता है, 6% ही आप जो है खरीद पाते हो फिर भी। लेकिन हो क्या रहा है कि जब एमएसपी एक फसल की आप बढ़ाएंगे, जैसे गेहूं और धान मुख्य रूप से आपकी ये खरीदी जाती है, जो लगभग 7-7.5 करोड़ टन आप खरीदते हैं उसमें से मुख्य रूप से ये दो फसलें हैं, तो इसकी एमएसपी जैसे बढ़ेगी तो इसी का प्रोडक्शन किसान ज्यादा करने लगता है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो है उत्पादन जब बढ़ता है तो आपके पास स्टोरेज और अन्य समस्याएं पैदा होती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एमएसपी, बाकी जैसे मोटे अनाज है उनकी एमएसपी बढ़ाना और उनकी खरीददारी सुनिश्चित करना, ये करने की आवश्यकता है ताकि, और ये जो फसलें हैं, धान है जैसे पंजाब में, आपको मालूम होगा कि वाटर टेबल जो है वो लगातार जो है जल स्तर नीचे जा रहा है और सूखे के हालात पैदा होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फसल से उससे हटाने के लिए दूसरे मोटे अनाज पे हमें ले जाने के लिए उनकी एमएसपी और उनकी खरीद सुनिश्चित करनी होगी। मतलब कि एमएसपी पॉलिसी को गेहूं और धान से हटा के मोटे अनाजों की तरह, हाँ, और भी खेतों या अनाज पे डालनी चाहिए। यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि दूसरे देशों की बात की जाए तो ऐसी क्या रणनीति होती है, क्या उन्हें भी ऐसी चुनौतियों से जूझना पड़ता है जब आपकी प्रोडक्शन आपकी डिमांड से ज्यादा हो जाए? तो
देखिए, इसमें MSP इंक्रीज़ करना और ख़रीदारी की जो पॉलिसी है चाइना में भी जिस तरीके से किया गया, तो वहाँ तो 30 करोड़ टन अनाज इकट्ठा हो गया। तो उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अभी सोचा भी जा रहा है सरकार में जैसे कि या तो आप फूड स्टैम्प्स दें, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास वो जरूरत हो वो जाकर के अपना उस चीज को खरीद ले, तो आपको उतना ज्यादा सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं है, फूड स्टैम्प के माध्यम से वो सस्ते में उस अनाज को ओपन मार्केट से खरीद लेगा। तो एक तो आपकी खरीदारी की मुसीबत टलती है, दूसरा आपको खरीदने के बाद जो उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, आपने देखा होगा, आप लोगों ने अपने चैनल पे भी दिखाया है कि लगातार बारिश आ गई, अनाज भीग गया, ओपन में रखा हुआ है, तो वो सारी चीजों से बचने के लिए भाई प्राइवेट सेक्टर है या चलो कुछ सरकारी सेक्टर भी है, क्योंकि सरकार अपनी खाद्य सुरक्षा भी मेंटेन करनी पड़ती है, उसके लिए जो एसेंशियल बफर स्टॉक है वो आप खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन PDS में जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है, खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है, उसके तहत आपको काफ़ी सामान खरीदना पड़ रहा है अनाज, उसके लिए आप फूड की जो स्टाम्प्स हैं या डायरेक्ट बेनिफिट आप खाते में यदि जमा करना स्टार्ट कर दें तो कहीं ना कहीं इस समस्या से और जो भंडार के भंडार भरे चले जा रहे हैं उसका एक हल निकल सकता है। डायरेक्ट बेनिफिशरीज के पास पहुंचना चाहिए वो जो चीज़ जो उत्पादन हो रहा है। सब्सिडी की बात करें पुष्पेंद्र जी, तो आपको क्या लगता है कितना बोझ पड़ेगा ये सरकार के ऊपर? देखिए, आज की तारीख में जो इनका बजटेड है करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया फूड जो है सब्सिडी का बिल आ रहा है, और यदि ये भी अगर ये इसको कर देते हैं तो इसमें जो खबरें आ रही हैं वो 50,000 करोड़ रुपया और बढ़ जाएगा। लेकिन अब उसको अनाज को बर्बाद करने से तो अच्छा है किसी न किसी को खाने में बांट दें आप, उसके लिए आपने क्योंकि उसको खरीदा है MSP पर किसानों से, तो उस वो पैसा तो आपने लगा दिया, उसके ऊपर आपने उसका कैरिंग कॉस्ट जो है उसको मेंटेन करने के लिए गोदामों में रखने के लिए जो 1-1.5 साल या जो भी समय आपने 6 महीने रखा है वो कॉस्ट है, वो तो आपको बेयर करनी पड़ेगी, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये खर्चे 50,000 करोड़ के आसपास आने की संभावना है। 2.25 लाख करोड़ रुपया अलग था प्लस 50 तो लगा 2.25 लाख, और इसमें मैं जोड़ दूं कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपया आज की तारीख में FCI का सरकार के ऊपर बकाया है इसी के चलते, क्योंकि स्टॉक ज्यादा है, आप उसको समय पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या, विकराल समस्या खड़ी हो गई है। तो पुष्पेंद्र जी, यहाँ पर इसको समाप्त करेंगे तो क्या ये कहा जा सकता है कि सब्सिडी देने पर सरकार के ऊपर बोझ तो बढ़ेगा लेकिन वो भंडारण के बोझ से कम होगा, क्या ये कहा जा सकता है? नहीं, वो तो इसलिए भी मजबूरी है कि अब जो फसल बोई जाएगी, जो धान की फसल की बुआई अब शुरू होने वाली है, तो वो अक्टूबर में आ जाएगी, फिर आप उसको कहाँ रखेंगे? वो 11 करोड़ टन के आसपास जो है आपका चावल का उत्पादन है, उसको आप कहाँ रखेंगे? तो वो भी आपको रखने के लिए जगह बनानी भी जरूरी है, तो आपकी मजबूरी भी है, लेकिन आवश्यकता ये है कि आप इतने बड़े पैमाने पर ना खरीद के डायरेक्टली बेनिफिट को जो है बेनिफिशियरी तक पैसे के रूप में पहुंचाएं और वो ओपन मार्केट से खरीदे, इस तरह की पॉलिसी पे कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बनने के लिए। तो किसान बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आर्कडेव यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और CCTV सिक्योर्ड हॉस्टल। आर्कडेव यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान, उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आर्कडेव यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 1800-2700-3200। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है, जरूरत है तो बस एक अच्छे गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। एडमिशन गाइडेंस फॉर कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, एजुकेशन, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, लॉ एंड एग्रीकल्चर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। कॉल 9826293590। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान सरकार ने किसानों को नया कर्ज देना शुरू कर दिया है। जी हां, इसके तहत राज्य के 25 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इसमें 10,000 करोड़ रुपए खरीफ सीजन के लिए और 6,000 करोड़ रुपए अगले रबी सीजन के लिए होंगे। इसके लिए किसानों को आधार नंबर, सहकारी बैंक की खाता संख्या और ISC कोड मुहैया कराना होगा। इसके अलावा किसानों को अपनी जमीन का ब्यौरा, बोई जाने वाली फसल की जानकारी और पहले से चल रहे कर्ज की भी जानकारी देनी होगी। सरकार ने कर्ज देने की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस कर दिया है।
पहली बार किसान को ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा मिल रही है ताकि उसको चक्कर नहीं काटना पड़े, सरकारी कार्यालय काटना पड़े। पहली बार पेपरलेस हो रहा है, कोई कागज लेकर के जमाबंदी के लेके पीछे पीछे घूमना, पटवारी के पीछे पीछे घूमना, मैक्सिम एमसीएल बनाने के लिए, ये सारे काम खत्म हो रहे हैं। और तीसरी चीज एक जो बड़ी बात हो रही है, पहले खाते में आने पर ही उसके जो ब्याज की गणना थी वो चालू हो जाती थी, निःशुल्क है, पूर्ण रूप से ब्याज मुक्त है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय अंबिकापुर दौरे पर हैं। उन्होंने आज अंबिकापुर कलेक्टोरेट परिसर में सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली। पहले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्राधिकरण में कई बड़ी सौगात दी थी। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 301 परिवारों को वन पट्टा और 400 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र वितरित किए थे। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के लिए 42 कार्यों की लागत राशि 2,72,80,000 रुपए अनुमोदित की गई है। और वहीं छत्तीसगढ़ में कर्ज लेने की प्रक्रिया में बदलाव से किसानों को परेशानी हो रही है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को अब भूया पोर्टल से जोड़ दिया गया है। प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने से किसानों को कर्ज लेने में परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि अधिकारी इससे कर्ज वितरण प्रक्रिया के पारदर्शी होने की बात कह रहे हैं, लेकिन कागजात में गड़बड़ी के चलते कई किसानों को कर्ज मिलने में दिक्कत आ रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार ने हाल में गायों की रक्षा के लिए कई नीतिगत फैसले लिए हैं। सरकार ने इससे पहले आवारा पशुओं के लिए स्थायी और अस्थायी गौशालाएं बनवाने के आदेश दिए थे। क्या है इनकी जमीनी हकीकत, देखिए झांसी से ये रिपोर्ट। ज्यादातर ग्राम पंचायतों में या यह कहें कि 9 गौशालाएं जिन ग्राम पंचायतों में बननी थी उनमें इटवा, अमरगढ़ और छरौना को छोड़ दिया जाए तो शेष जगह गौशालाएं बनी ही नहीं। गौशाला का स्थिति है जो कहा है कि साहब ये डरी है, ये एक जानवर नहीं जवाब में। ये हकीकत है सड़क से लेकर खेतों तक भटकने वाले मवेशियों को सुरक्षित ठिकाना देने के आदेश की। आदित्यनाथ सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में 16 जगहों पर गौशालाएं बनाने के लिए भूमि पूजन हुआ, लेकिन ज्यादातर जगहों पर गौशाला बनाने और उनमें गायों को पकड़कर रखने का काम कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया और पैसे खर्च हो गए। कोई भी एक सिंगल जानवर नहीं पकड़ा गया, और जबकि कागजों में ये 1,150 जानवर चिरगांव ब्लॉक में दिखाए गए हैं और इस पर 21,50,000 रुपए का व्यय भूसा पर दिखाया गया है। तो ये अस्थाई की आवश्यकता नहीं, स्थाई की आवश्यकता है। चलो जो अस्थाई के लिए भी पैसा दिया है उस अस्थाई के भी पैसे की समझ में नहीं आ रहा है। 19,19,00,000 रुपए खर्च हो गया, खर्च कर दिया है चिरगांव विकास खंड ने, उसके बाद दो दो ट्रॉली एक एक ट्रॉली भूस डाल रखा है और वो भी खुले में, वहाँ उस भूस को ढक लो, अगर बरसात हो जाए तो वो भूस खराब ना हो जाए, आंधी आएगी भूस उड़ जाएगा। अस्थायी गौशाला बनाने की बात गेट बनाने और तारबंदी से आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि अधिकारी जल्द काम पूरा करने के दावे कर रहे हैं। अभी चिड़गांव में वर्तमान में लगभग 12 ऐसे अस्थायी गौशाला स्थल बनाए जा चुके हैं। स्थिति ये है कि हम लोग आज की डेट में तैयार है कि जैसे ही ऐसी स्थिति आए कि गौवंश जो है नुकसान खेतों में फसल को करे या सड़क पर ट्रैफिक को करे तो हम लोग उनको पावन करने की पूरी परिस्थिति में। गौरक्षा को लेकर आदित्यनाथ सरकार की जो भी चिंताएं हों, लेकिन योजना के जमीन पर उतरने की हकीकत बस इतनी है कि इस झुलसाती गर्मी में आवारा जानवर चारे पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जिनमें अब बात करते हैं झुलसाती गर्मी और पानी की बढ़ती किल्लत की। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पारा 47 से 49 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इस बार गर्मी ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसे देखते हुए राजस्थान के 33 में से 25 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ चुरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में लोगों को इन दिनों पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पानी की किल्लत इस कदर बढ़ गई है कि लोग सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाले पानी को जुटाने के लिए टैंकरों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें लोग औरंगाबाद से जलगांव रोड पर टैंकर के पीछे पानी डालने के लिए भागते दिखाई दे रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 151 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है और यहाँ के बांधों और जलाशयों में बहुत कम पानी बचा है। कई इलाकों में टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। और किसानों के लिए कम लागत में अच्छा उत्पादन पाना लगातार चुनौती बना हुआ है, लेकिन कुछ किसान उन्नत तकनीक अपनाकर ऐसा करने में सफल हो रहे हैं। देखिए चलते चलते मध्य प्रदेश के जबलपुर से ऐसे ही किसानों की ये कहानी। गर्मी में ठंडक और मिठास देने वाले ये तरबूज दूसरे तरबूजों जैसे ही हैं, मगर इसमें खास है इन्हें उगाने में इस्तेमाल की गई सिंचाई की उन्नत तकनीक। इन तरबूजों को मध्य प्रदेश में जबलपुर के दो किसानों ने ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल कर पैदा किया है। इससे इसमें आने वाली लागत तो घटी ही है, उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। नतीजा आज इन किसानों को अपनी 25 एकड़ तरबूज की खेती से पहले की तुलना में 50 से 70 हज़ार रुपये ज़्यादा कमाई हो रही है। 25 एकड़ में फसल लगी है, बाकी जो है तो रकबा बहुत बड़ा है 70-80 एकड़ का। जी जो 25 एकड़ में कर रहे हैं इसका, इसमें अपन की एक एकड़ पे करीब खर्च काटे 1.5 लाख से ऊपर हो जात कम नहीं हो गए। ड्रिप इरीगेशन यानी टपक सिंचाई से बेहद कम पानी में अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। इसमें पाइपों के जरिए पौधों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है। मिट्टी में नमी बनी रहे इसके लिए पौधों की क्यारियों को प्लास्टिक से ढक दिया जाता है, इससे खरपतवार की भी रोकथाम हो जाती है। बूंद बूंद पद्धति जिसको ड्रिप इरीगेशन कहते हैं, उससे जितना पानी फसल को आवश्यक है उतना देने के लिए ये पद्धति निकाली गई है। जो खरपतवार उगते हैं वो उसी में नष्ट हो जाते हैं और खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फसलों में विविधता और उन्नत तकनीक के इस्तेमाल से खेती को घाटे से उबारा जा सकता है। तरबूज उगाने वाले इन किसानों को आय बढ़ाने में मिली सफलता भी इसी बात को साबित कर रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से राकेश श्रीनिवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।